स्पिरिट तेलंगाना के लिए एक रैली निकाले तेलंगाना रेड्डी प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन क्रिमिनल कोर्ट के, उनकी क़यादत में पीस रैली निकाले। हम जा रहे थे राजभवन के लिए, लेकिन हमको यहाँ से अरेस्ट करके पुलिस वाले हमको लेके गए गांधीनगर पीएस को, और हमको गांधीनगर पीएस में बिठा दिया और अभी ला के छोड़े हैं गांधीनगर पीएस से। हम चाह रहे हैं कि सेपरेट तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए सेपरेट हाईकोर्ट तेलंगाना का होना चाहिए, जिसके लिए पिछले 10-15 दिन से हम लोग एहतजाज कर रहे हैं और इसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और हम ये करते जाएंगे। जब तक हमको ये हासिल नहीं होगा हम करते जाएंगे। नहीं, आप 10-15 दिन से जो एहतजाज कर रहे हैं उसमें कुछ अभी तक कुछ आगे से कुछ जवाब नहीं आया क्या? आगे से भी कुछ जवाब नहीं आया। जब तक जवाब नहीं आएगा जब तक हम कोर्ट बायकॉट करेंगे और सेपरेट तेलंगाना स्टेट होना, उसके हाईकोर्ट होना, और उसके साथ साथ ये सिविल जूनियर जजेस के जो रिक्रूटमेंट है उसको रोक देना, क्योंकि जूनियर सिविल जज के लिए सेपरेट तेलंगाना हाईकोर्ट होने के बाद जूनियर सिविल जजेस का रिक्रूटमेंट होना। अभी हुए तो क्या होता बोलते, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट दोनों मिल के, इसमें तेलंगाना वालों को बहुत नुकसान है। जब स्टेट सेपरेट हुआ, सेक्रेटेरियट सेपरेट हुआ, असेंबली सेपरेट हुआ, हर चीज डिपार्टमेंट सेपरेट हुआ, हाईकोर्ट क्यों सेपरेट नहीं होता? हाईकोर्ट सेपरेट होने के बाद सिविल जजेस का रिक्रूटमेंट हुआ तो हमारे तेलंगाना वालों को उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो अब तेलंगाना वालों को बहुत इनजस्टिस हो रहा। स्टेट्स तो सेपरेट है कहते हैं और यहाँ तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट सेपरेट हुए, रिक्रूटमेंट भी सेपरेट होना ना, इसमें तो बहुत इनजस्टिस हो रहा। हम इसीलिए हम एडवोकेट्स डिमांड करें और हमारे नामपाली क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट कोंडल रेड्डी साहब के साथ आज हम राज नामपाली क्रिमिनल कोर्ट से राजभवन एक डेमोक्रेटिक वे में पीसफुल में हम रैली निकाले तो पुलिस वाले हमको अरेस्ट करके गांधीनगर पीएस ले जाके हमको वहाँ ले जाके लगाए। और जो यहाँ हम ये बायकॉट भी इस तरीका से कर रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम हम ये कर रहे हैं। यहाँ क्लाइंट्स को भी तकलीफ नहीं होना, एडवोकेट्स को नहीं होना, सब जने भी हैप्पी रहना, सेटिस्फाइड रहना। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं बोलते, रोजाना मॉर्निंग कालवर तक 12 बजे तक हम कालवर कर लेते, कालवर के बाद जिन लोग फ्री हो गए हम डेमोक्रेटिक वे से रोज एक तरीका से हम प्रोटेस्ट करेंगे और हर तरीका से हम एक एक दिन एक एक तरीका से हम प्रोटेस्ट हम हाईकोर्ट तेलंगाना सेपरेट हाईकोर्ट के लिए डिमांड करते हुए हम करेंगे। आप लोग कितने एडवोकेट से इसमें जो अब हम 25 जने से एडवोकेट्स यहाँ आज के दिन हमको अरेस्ट करे, उसमें से क्या है कि 10 जने लेडीज हैं। रैली में तो 200 जने थे, 200 लोग थे, 200 लोग थे, 25 जने को अरेस्ट क्यों बोला तो पुलिस वालों को नहीं, गाड़ियाँ नहीं थे, वैन नहीं थे, इसलिए कम लोगों को अरेस्ट करके ले।